स्वामी आत्मानंद स्कूल के आड़ में सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने को लेकर आज भाजपा अटल सदन कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने पत्रवार्ता कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावे पर निजीकरण करने का आरोप लगाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष मुदलियार ने बताया है कि प्रदेश में विगत सत्र में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल बनाकर लगभग 300 प्राचार्यों के पद व इतने ही प्रधान अध्यापकों का माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला के पद समाप्त किया गया है। प्रदेश सरकार पुनः स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल बनाने की ओर अग्रसर है, मतलब फिर इतने पद समाप्त हो जाएंगे जिसमें सहायक शिक्षक शिक्षक व्याख्याता के पद भी समाप्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से 6 जुलाई 2023 को पारित आदेश में प्रदेश भर में 318 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया, जिसमें स्कूल के संचालक पंजीकृत समितियों को हस्तांतरित किया गया है। आने वाले भविष्य के लिए उनके जो शासकीय फायदे मिलना है उनको, जैसे जीपीएफ की राशि उनका अभी कटता है, आने वाले समय में ये सब फायदों से लाभों से वंचित होंगे। तो इसीलिए मैं क्षेत्र के विधायक को और कांग्रेस सरकार के प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये आदेश को आप आपस करें और भविष्य प्रदेश के शिक्षकों का आप पूरी तरह से ध्यान रखें। आने अभी प्रदेश में लगभग 90,000 से ज़्यादा पद खत्म कर दिए हैं और आने वाले समय में आप अगर किसी बाहरी बेरोजगार को भी अगर आप लेते हो तो उस बेरोजगार को आप संविदा भर्ती के आधार पर नहीं ले रहे हो और आप सीधी भर्ती के आधार पर नहीं ले रहे, तो किस आधार पर आप उस बेरोजगार को पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार को आप लोग लेने के बाद जब वो संविदा और सीधी भर्ती में नहीं जाता है तो उसका भविष्य क्या है, उसे नियमित कैसे करोगे आने वाले समय में? तो ये सारे प्रश्न सवाल खड़े होते हैं और ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर जो है ना इनका सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी का स्कूलों को प्रदेश के स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करने का पूरी योजना है। इस योजना से पहले उन्होंने ये इंग्लिश माध्यम स्कूल का प्रारंभ किया, उसके बाद पूरे जिले में पूरे प्रदेश में हिंदी माध्यम स्कूलों का स्वामी आत्मानंद के माध्यम से वो पूरे स्कूलों का गठन करके शासकीय विद्यालयों को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पे विशेष करके प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए और मैं उन सभी शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा, अगर आप लोगों को उचित लाभ कहीं नहीं दिखता है तो ऐसे नियमों में फंसने की जरूरत भी नहीं है।